हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से नॉर्थ पोल से निकल कर के साउथ पोल तक जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। उसी डायग्राम को हम लोग आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली बनाने वाले हैं। और इसके लिए हमने एक मैग्नेट ले लिया है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और आयरन फिलिंग्स ले लिया है। उसके साथ साथ ये टैबलेट का एक कवर था, तो टैबलेट का कवर मैंने ले लिया है। और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको बीच में चिपका लेते हैं, और अब ये हम लोग इधर पलट लेते हैं। नीचे मैग्नेट लगा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। इसके ऊपर हम लोग ये आयरन फिलिंग्स डालेंगे। आयरन फिलिंग्स हम लोग धीरे धीरे डालेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप लोग देखिए कि कैसे नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ से आ रही है, और एक कर्व बना रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है।